हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, सरकारी आवास की बजाय लग्जरी होटल में रहने वाला पटवारी रिश्वत लेते धरा। पटवारी जैसी पोस्ट पर नौकरी और शौक नवाबों के, परंतु ऐसे ठाट बाट थोड़ी ही दिन चलते हैं। सरकारी आवास के बजाय 2 से 2500 के दैनिक किराए वाले होटल में रहने वाले एक पटवारी को एसीबी टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। सरकारी आवास के बजाय लग्जरी होटल में रहने वाला पटवारी रिश्वत लेते धरा, रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ पटवारी गिरधारी राम। पटवारी जैसी पोस्ट पर नौकरी और शौक नवाबों के, परंतु ऐसे ठाट बाट थोड़ी ही दिन चलते हैं। सरकारी आवास के बजाय 2 से 2500 के दैनिक किराए वाले होटल में रहने वाले एक पटवारी को एसीबी टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ पटवारी पिंडवाड़ा पटवार संघ उप शाखा का अध्यक्ष भी हाल ही में बना है। ऐसे में आम जनता को लूटने वाले ऐसे कार्मिकों की हरकतों और गैर वाजिब मांगों का आप अंदाजा सहज ही लगा सकते हैं। इस पटवारी के कमरे से 1.5 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। राजस्थान के सिरोही जिले के भिमाना में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भिमाना पटवारी गिरधारी दान चारण को 3000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। एसीबी टीम द्वारा कमरे की तलाशी ली गई, तो कमरे में 1.5 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए। एसीबी की टीम आरोपी गिरधारी दान से 1.5 लाख की राशि के हिसाब के बारे में पूछताछ कर रही है। वह आरोपी के मूल गांव जो जैसलमेर जिले में स्थित है, उसकी भी जानकारी लेकर वहां पर भी सर्च की कार्रवाई की जाएगी। आदिवासी किसान से जमाबंदी के लिए मांगे 10,000। एसीबी के एएसपी नारायण पुरोहित ने बताया कि भिमाना पटवार सर्कल के सांगवाड़ा निवासी मोती राम पुत्र काना नाम भील पेशे से किसान है, जिसने परिवाद पेश कर बताया कि पटवारी गिरधारी दान चारण ने कृषि कार्य व कृषि कनेक्शन के लिए उसकी जमीन की नकल व जमाबंदी देने के अवज 10,000 रुपए की मांग की थी, जिसमें 7,000 पहले दे चुका था। वहीं 3,000 और देने के लिए पटवारी उन पर दबाव बना रहा है, जिसकी शिकायत पर एसीबी ने सत्यापन करवाया। सत्यापन होने के बाद एसीबी के एएसपी नारायण सिंह पुरोहित के नेतृत्व में टीम भिमाना के एक होटल पहुंची, जहां हाईवे पर स्थित प्रियंका होटल के रूम नंबर 113 में पटवारी गिरधारी दान चारण को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया गया। लग्जरी सुविधाएं उठा रहा पटवारी। पटवारी के ऐशो आराम का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि पटवारी गिरधारी दान चारण, जो कि सरकार का एक अदना सा कर्मचारी होते हुए भी सरकारी आवास पर ना रहकर पिछले लंबे समय से एक लग्जरी होटल के रूम नंबर 113 में रह रहा है, जिसका प्रतिदिन का किराया 1500 से 2000 रुपए है। एक पटवारी अगर प्रतिदिन अपने रहने के लिए अगर 2000 रुपए खर्च करता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी ऊपरी कमाई कितनी होगी। वहीं आपको बता दें कि आरोपी पटवारी गिरधारी तांड पिंडवाड़ा पटवार संघ उप शाखा के अभी हाल ही में अध्यक्ष चुने गए, और अध्यक्ष चुनते ही इन्होंने पिंडवाड़ा तहसीलदार कल्पेश जैन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसके चलते पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में थे। और आज एसीपी द्वारा कार्रवाई के बाद लोगों द्वारा अलग अलग ढंग के कयास लगाए जा रहे हैं। जागरूक टीवी के लिए सिरोही से खास रिपोर्ट।